साउथ जोन का ओलंपिक कंपटीशन है वो पीपल विद डिसेबिलिटी फॉर दिव्यांगजन, जिसमें लाइक पीपल आर पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम कर्नाटका, फ्रॉम आंध्र प्रदेश, फ्रॉम तेलंगाना, केरला एंड साउथ साउथ साउदर्न स्टेट. सो ओलंपिक्स इज व्हाट ओलंपिक्स इज कम्पिटिंग, पीपल आर कम्पिटिंग, दिव्यांगजन आर जो बच्चे हैं वो कम्पीट करते हैं 15 प्रकार के स्किल्स में, जैसे उसमें IT के स्किल हैं, हॉस्पिटैलिटी के, और उसमें एम्ब्रॉयडरी है, पेंटिंग है, स्टिचिंग टेलरिंग के स्किल्स हैं. और ये बच्चे जो है यहाँ पे साउथ जोन के कंपटीशन के बाद, जैसे हम लोग 4 जोन का कंपटीशन करते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ. सो उनके बाद वी हैव नेशनल कंपटीशन जो दिल्ली में होगा 6-7 दिसंबर को, और इनमें जो बच्चे सेलेक्ट करेंगे फिनलैंड के लिए जाएंगे. लास्ट ईयर हमने फ्रांस में पार्टिसिपेट किया था 23 में, तो उनमें से 13 दिव्यांग बच्चों में से 7 लोगों को मेडल मिला था. दैट वाज आवर बेस्ट परफॉर्मेंस एंड देन दे वर फेलिसिटेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और पैरेलल इस रीजनल कंपटीशन के साथ में एक रीजनल कॉन्फ्रेंस भी हुआ, जिसमें जो है पूरे इस रीजन से जो एम्प्लॉयर्स थे, जो फंडिंग एजेंसीज थे, जो स्टार्टअप से इन बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, उन लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया. किस तरह से ये पार्टिसिपेट? हाँ, सो ये जो रजिस्ट्रेशन है इन बच्चों का ऑनलाइन है. हमारी टीम जो है पूरे इन 4-5 जो सदर्न स्टेट्स हैं उनके इंस्टीट्यूट्स को टारगेट किया, उसमें IITs भी थे, IIM भी थे, NITs भी थे, स्पेशल स्कूल भी थे, कॉलेजेस भी थे, और लोकल पब्लिक के लिए मास मीडिया को किया. उन लोगों ने सार्थक नाई के प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर किया, फिर उनमें से शॉर्ट लिस्टिंग हुआ. और इन कंपटीशंस का जो जजिंग कर रहे हैं दे आर हाईली इंटेलेक्चुअल प्रोफेशनल्स हैं वो लोग, जैसे वो लेडी इरविन कॉलेज के प्रोफेसर हैं जो इसमें कर रहे हैं, स्टेटबिन कंपनी है जो IT का कर रही है, APCA है जो हॉस्पिटैलिटी के ट्रेड के एक्सपर्ट्स हैं, जो उनको इन कंपटीशन में सेलेक्ट करने के बाद उनका सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रेनिंग भी करेंगे. और उसी तरह से सारे जो ये एक्सपर्ट लोग हैं इनको जज करके एंड दे विल डू हाईली टेक्निकल ट्रेनिंग, ताकि वो इंटरनेशनली करीब 40-45 जो कंट्रीज आएंगे उनके दिव्यांग बच्चों से कम्पीट कर पाए. और एक ये जो आप कॉम्पिटिशन कर रहे हैं या गवर्नमेंट स्कूल? सो ये सब के लिए, ये गवर्नमेंट संस्थाओं, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट को कोई वो नहीं, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे नॉन गवर्नमेंट है, चाहे प्राइवेट है, कोई हमारे लिए हर दिव्यांग हमारा परिवार है. सो ऑल पीपल विद डिसेबिलिटी वी टारगेट अक्रॉस द कंट्री. दिव्यांगजनों को हमको अलग नहीं समझना है, वो हमारे भाग हैं, हमारे परिवार का एक सदस्य है. मुझे चश्मा लगा, मैं भी दिव्यांगजन हूँ. किसी और को कोई मेंटल चैलेंज है, वो भी दिव्यांगजन है. हम उसको बहिष्कार नहीं कर सकते, वो हमारे साथ में है. और हमें उन्हें सशक्त करके प्रयास करना है कि वो भारतवर्ष को कैसे आगे बढ़ा सके. अगर हमारे 10-12 करोड़ दिव्यांगजन भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ छोटा सा भी अंश देना शुरू कर देंगे, तो सोचिए भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच जाएगी. हमें सिर्फ उनको उनकी पहचान देनी है. जैसे हनुमान जी भी भूल गए थे, जामवंत जी आए, उन्होंने हनुमान जी को याद दिलाया उनकी शक्तियों के बारे में. सार्थक वही जामवंत जी हैं जो प्रयास कर रहे हैं दिव्यांगजनों की शक्तियों को दोबारा याद करवाने की, जिससे कि भारत विश्व गुरु बन सके, भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सके 2047 तक. ठीक है सर.